चौथा पाद संबंध, पहले के तीन पादों में ब्रह्म को जगत के जन्म आदि का कारण बतलाकर वेद वाक्यों द्वारा ये बात प्रमाणित की गई। श्रुतियों में जहाँ जहाँ देह संदेह होता था उन स्थलों पर विचार करके उस संदेह का निवारण किया गया। आकाश आनंदमय ज्योति प्राण आदि जो शब्द या नाम ब्रह्म पर नहीं प्रतीत होते थे, जीवात्मा या जड़ प्रकृति के बोधक जान पड़ते थे, उन सबको परब्रह्म परमात्मा का वाचक सिद्ध किया गया। प्रसंग वश आई हुई दूसरी दूसरी बातों का भी निर्णय किया गया। अब ये जिज्ञासा होती है कि वेद में कहीं प्रकृति का वर्णन है ही नहीं, यदि है तो उसका स्वरूप क्या माना गया है इत्यादि। यही इन्हीं सब ज्ञातव्य विषयों पर विचार करने के लिए चतुर्पाद आरंभ किया गया है। जो कठोपनिषद में अव्यक्त नाम आया है, ये वहाँ अव्यक्तम पद प्रकृति का वाचक है या अन्य किसी का, इस शंका का निवारण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, यदि कहो अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति भी एक शाखा वालों के मत में वेद प्रतिपादित है तो ये कठिन कथन ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर ही यहाँ रथ के रूपक में पकड़कर अव्यक्त शब्द से गृहित होता है। यही बात श्रुति दिखलाती भी है। व्याख्या, यदि कहो कि कठोपनिषद में जो अव्यक्त पद आया है वह अनुमान कल्पित या सांख्य प्रतिपादित प्रकृति का वाचक है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर बुद्धि मन इंद्रिय और विषय आदि की जो रथ रथी एवं सारथी आदि के रूप में कल्पना की गई है, उस कल्पना में रथ के स्थान पर शरीर को रखा गया है, उसी का नाम यहाँ अव्यक्त है। यही बात उस प्रकरण में प्रदर्शित है। भाव यह है कि कठोपनिषद के इस रूपक प्रकरण में आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ा और विषयों को उन घोड़ा का चारा बताया गया है। इन उपकरणों द्वारा परमपद स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त करने का योग्य कहा गया है। इस प्रकार पूरे उपरूपक में सात वस्तुओं की कल्पना हुई है। उन्हीं सातों का वर्णन एक से दूसरे को बलवान बतलाने में भी होना चाहिए। वहाँ इंद्रियों की अपेक्षा विषयों को बलवान बताया गया है, जैसे घास या चारा दाना देखकर घोड़े अर्थात उस ओर आकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां भी अर्थात विषयों की ओर खींच जाती है। फिर विषयों से परे मन की स्थिति कही गई है, क्योंकि यदि सारथी लगाम को खींचे रखे तो घोड़े चारा दाना की ओर अर्थात नहीं जा सकते। उसके बाद मन से परे बुद्धि का स्थान माना गया है, वही सारथी है। लगाम की अपेक्षा सारथी को श्रेष्ठ बतलाना उचित है, क्योंकि लगाम सारथी के ही अधीन रहती है। बुद्धि से परे महान आत्मा है, यही रथ के रूप में कहा हुआ है, जीवात्मा ही होना चाहिए। महान आत्मा का अर्थ महतत्व मान ले तो इस रूपक में दोष आते हैं। एक तो बुद्धि रूपी सारथी के स्वामी रथी आत्मा को छोड़ देना और दूसरा जीव का रूपक में वर्णन नहीं है। उस महतत्व की व्यर्थ कल्पना करना, अतः महान आत्मा यहाँ रथ के रूप में बताया हुआ जीवात्मा ही है। फिर महान आत्मा से परे जो अव्यक्त कहा गया है वह भी भगवान की शक्ति रूप प्रकृति, उसी का अंश कारण शरीर है, उसे ही इस प्रसंग में रथ का रूप दिया गया है। अन्यथा रूपक में रथ की जगह बताया हुआ शरीर एक से दूसरे को श्रेष्ठ बताने की परंपरा में छूट जाता है और अव्यक्त नाम से किसी अन्य तत्व की अप्रासंगिक कल्पना करनी पड़ती है। अतः कारण शरीर भगवान की प्रकृति का अंश होने से उसे ही अव्यक्त नाम से कहा गया है। संबंध, यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि शरीर को अव्यक्त कहना कैसे ठीक होगा, क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त है। इस पर कहते हैं, किंतु इस प्रकरण में शरीर शब्द से सूक्ष्म शरीर गृहित होता है, क्योंकि परम धामों की यात्रा में रथ के स्थान में उसी को मानना उचित है। व्याख्या, परमात्मा की शक्ति रूप प्रकृति सूक्ष्म है, यह वह देखने और वर्णन करने में नहीं आती, उसी का अंश कारण शरीर है, अतः उसको अव्यक्त कहना उचित ही है।
इससे इसके सिवा परमधाम की यात्रा में रथ के स्थान में सूक्ष्म शरीर ही माना जा सकता है क्योंकि स्थूल तो यही रह जाता है। संबंध यह जिज्ञासा होती है कि जब प्रकृति के अंश को अव्यक्त नाम से स्वीकार कर लिया तब सांख्य शास्त्र में कहे हुए प्रधान को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। सांख्य शास्त्र भी तो भूतों के कारण रूप सूक्ष्म तत्वों को ही प्रधान या प्रकृति कहता है। इस पर कहते हैं